मेरा नाम प्रीतिका, तो मैं कोचिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। तो जो आज मेरा विषय है आदिवासी उपन्यासों में व्यक्त वृद्ध जीवन की प्रतिष्ठित व्याख्या, तो आलय की ओर बढ़ते हैं। साहित्य के संबंध में अक्सर यह कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य समाज का केवल दर्पण मात्र नहीं है। दर्पण उसे कहते हैं जो किसी चीज को बिना किसी परिवर्तन के दर्शाता है। साहित्य सामाजिक स्थिति विशेष की भली भांति विचार कर समाज की अच्छाइयों एवं बुराइयों को यथापरक दृष्टि से आत्मसात करते हुए कल्पना के साज सज्जे के साथ नवीन रूप या मानदंड प्रदान कर बेहतर समाज की परिकल्पना करता है। इसलिए ही रचना इसलिए ही रचना केवल स्वीकृति मात्र नहीं है, व्यापक अर्थ में वह एक निश्चित है। साहित्य सृजन समाज के हित के लिए सामाजिक परिवेश के प्रेरणा ग्रहण से ही होता है, जो समाज की चेतना में सांस लेते हुए समाज को निरंतर प्रभावित करता रहता है। साहित्य और समाज का संबंध घनिष्ठ है, इसलिए साहित्य को सामाजिक जीवन के अनेक नियमित अनियमित ज्ञात अज्ञात घटनाओं की श्रृंखला का समिष्टि रूप तथा प्राणदायिनी शक्ति भी कहा जाता है, जो एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हुए बेहतर सामाजिक परिकल्पना को यथार्थ के रंग में रंगने की कोशिश है। समकालीन साहित्य इससे भिन्न नहीं है। यदि साहित्य सामाजिक विषमताओं की अभिव्यक्ति समग्रता के साथ करता है, तो समकालीन साहित्य इसी समग्र रूप को टुकड़ों में देखने का प्रयास है। समकालीनता एक समग्र चेतना है, जो सामयिक संदर्भों, दबावों और तकाशों के तहत विशिष्ट स्वरूप धारण करती है। समकालीन साहित्य देश काल एवं मानवीय दायित्व को प्रतिबिंबित कर नए मूल्यों की तलाश करते हुए एक कालगंड की समस्याओं से समाज को परिचित कराती है। समाज की हर एक समस्या को उस वर्ग के वैयक्तिक दरादल पर परखते हुए समकालीन साहित्य यथार्थ की सार्थक अभिव्यक्ति करता है। समकालीन साहित्य समाज की नवीन व्याख्या है, जो सीधे सीधे समाज के यथार्थ के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। समकालीन साहित्य की हर एक विधा, कविता, कहानी, उपन्यास आदि इसी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति से पोषित तथा शोभित है। उपन्यास साहित्य इसी पोषण तथा शोभा की सफल स्पष्टीकरण है। उपन्यास अपने आप में अत्यंत विशेष एवं महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है, जो एक ओर पाठकों को मनोरंजित करता है, तो दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ की नग्न अभिव्यक्ति कर पाठकों को सोचने विचारने के लिए मजबूर भी करता है। अपने उद्भव काल से लेकर आज तक उपन्यास ने न सिर्फ अपने समय के साथ तादात्म्य स्थापित किया है, बल्कि एकाधिकार अपने भविष्य का सटीक आंकलन कर पाठकों को आचंबित भी किया है। अपने विस्तृत फलक पर उपन्यास एक साथ कई सामाजिक गतिविधियों एवं समस्याओं को प्रस्तुत करता है, जो अन्य विधाओं के संदर्भ में दुर्लभ है। आकार में बड़े होने के कारण किसी घटना की विस्तृत अभिव्यक्ति उपन्यास में देखी जा सकती है। समकालीन हिंदी उपन्यास व्यक्ति, समाज, देश तथा वैश्विक परिवेश में भोगे हुए क्षणों की तीव्र, सूक्ष्म तथा शक्तिशाली अभिव्यक्ति का लिखित दस्तावेज है, जो किसी वर्ग में मात्र सीमित न रहकर व्यक्ति तथा उनके अंदर चेतनाओं की गहनतम अभिव्यक्ति का द्योतक है। समकालीन जीवन की अनेक समस्याएं, जैसे उच्च वर्ग के अय्याशी के फलस्वरूप व्याप्त मानसिक अशांति, आंतरिक उलझने, पारिवारिक भटकाव तथा मध्य वर्ग के मानस का बौद्धिक एवं वैचारिक संघर्ष, निम्न वर्ग का असंतोष, विक्षोभ, अनास्था और झोपट पट्टी की घिनौनी एवं बस्ती में अपने जिंदगी की रोजमर्रे की जटिल समस्याओं की गति में जीने के कारण पीड़ित व शोषित लोगों के जीवन संघर्ष तथा हाशियेग्रद में हाशियेग्रद आदिवासी, दलित, स्त्री, किसान, विकलांग, वृद्ध आदि समाज के तिरस्कृतों की स्वानुभूति परक अभिव्यक्ति ही समकालीन हिंदी साहित्य उपन्यास है। समकालीन हिंदी उपन्यासकार सामाजिक यथार्थ की वास्तविक आंकलन कर बिना किसी साज सज्जे के उसे जोंके
व्यक्तियों अभिव्यक्त करने में विश्वास रखते हैं। कई सामाजिक समस्याएं जिन पर आज तक साहित्यकारों का ध्यान नहीं गया था, उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न समकालीन उपन्यासकारों द्वारा किया जाता है। वृद्ध जीवन की समस्याएं एवं संघर्ष भी एक ऐसा विषय है जिसका उभार एवं विकास समकालीन साहित्य के ही फलक पर हुआ है। आज के सभ्य सामाजिक परिवेश के संदर्भ में वृद्ध हाशियेग्रद है जिन पर होने वाले शोषण एवं उत्पीड़न की खबरें हम हर रोज अखबारों में देखते एवं पढ़ते हैं। कई बेटा संपत्ति के लिए पिता की हत्या कर रहा है तो कई वृद्ध दादी की हत्या की जा रही है। 1/12/2022 इंडियन एक्सप्रेस। वही कुछ वृद्ध भविष्य निधि के न मिलने पर आत्महत्या कर रहे हैं। द हिंदू 8/2/2024। तो वही वृद्ध माँ को कूड़े कचरे के समान रास्ते के किनारे या किसी लॉज में फेंक दिया जाता है। 5/10/2023। ये सभी जो है अखबारों में आए खबरें हैं। पहले वृद्ध समाज इतना हाशियेग्रस्त एवं शोषणग्रस्त नहीं था जितना आज बना दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण है मूल्य परिवर्तन। भारतीय समाज या सभ्य समाज मूल्यों से संबंधित तथा संस्कृति एवं संस्कारों से अत्यंत समृद्ध रहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशोबल। अर्थात प्रतिदिन बुजुर्गों को प्रणाम करने और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या कीर्ति और शक्ति की वृद्धि होती है। आजकल भारतीय माहौल बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है, वार्धक्य समस्या एवं बूढ़े बुजुर्ग बोझ बनते जा रहे हैं। तलेकूतल मुख्य तौर पर तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों की पारंपरिक रस्म है जिसमें परिवार के अवांछित बुजुर्गों को मार दिया जाता है। आदि परंपराओं की आड़ में बुजुर्गों से छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। अचानक इस प्रकार समाज में बदलाव क्यों हुआ, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है। परिवर्तन एवं बदलाव कभी भी अचानक नहीं होता है। भारतीय समाज में मूल्य परिवर्तन एक दिन अचानक नहीं हुआ है, उसके पीछे कई क्रियाकलाप एवं गतिविधियों का संचालन स्पष्ट है। प्रौद्योगिकरण ने एक और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, वही तकनीकी एवं यांत्रिकरण ने मानव श्रम को कम करते हुए रोजगार को भी कम कर दिया है, जिसके कारण भूख अकाल बेरोजगारी बीमारी आदि से समाज ग्रसित होने लगा, जिसका प्रभाव मनुष्य के मानसिकता पर भी धीरे धीरे पड़ने लगा। पूंजीवादी संस्कृति ने समाज को अर्थ केंद्रित और मनुष्य को अर्थ पिशाच बना दिया है। उपभोक्तावादी सभ्यता के से हो और हानि से देखने लगे से समाज के कमजोर एवं अप्रबल लोग अधिक प्रभावित होने लगे, जिनमें प्रमुख है वृद्ध। वृद्ध समाज हर एक दृष्टि से समाज का सबसे कमजोर हिस्सा है। एक और जहां वे शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल है तो दूसरी ओर वृद्धावस्था उन्हें आर्थिक रूप से अप्रबल बना देता है। यही प्रबलता के कारण समाज और परिवार में उनका स्थान भी धीरे धीरे कम होने लगा है। घर के मुखिया से वे घर के फालतू सामान मात्र बनकर रह गए हैं। वैश्वीकरण एवं शहरीकरण ने भी बूढ़े बुढ़िया और उनके संतानों के बीच अलगाव को बढ़ा दिया है। आज नौकरी की तलाश में कोई विदेश की ओर जाता है तो कुछ लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में घर में अकेले रह जाते हैं वृद्ध माँ बाप। जिस उम्र में उन्हें अपनों की सबसे अधिक जरूरत होती है उसी उम्र में वे अकेले जीवन गुजारने के लिए मजबूर है। संयुक्त परिवारों की परंपरा का समाप्त होना भी इनकी समस्याओं का एक बड़ा कारण है। जब समाज पूंजीवादी बन गया तो हमारी मानसिकता भी हमसे मे की ओर परिवर्तित होने लगा। ऐसे में आर्थिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए लोग संयुक्त परिवारों से अधिक एकल परिवारों को एवं हम दो हमारे दो की परिकल्पना को बढ़ावा देने लगे। ऐसे में वृद्ध केवल संतानों पर आश्रित होने लगे। यदि वृद्धावस्था में संतानों ने उनकी देखभाल ना की तो वे पूरी तरह असहाय एवं निराश्रित हो जाते हैं। धीरे धीरे वे समस्याओं से घुटने लगते हैं। समाज समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय समस्याओं को अनदेखा कर समस्याओं की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। इस कारण आज हमारे समाज में जितने बुजुर्ग भूख प्यास बीमारी से नहीं मरते उससे कई अधिक वृद्ध अकेलेपन के कारण मरते हैं। युवा पीढ़ी की तरह समय के साथ बदलाव एवं परिवर्तन वृद्धों के लिए मुश्किल कार्य है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा बहुत भी परिवर्तन असहनीय है जो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इन बातों को समझने के लिए युवा पीढ़ी तैयार नहीं है। फलतः रिश्तों में तनाव
कुंडा, निरर्थकता, विघटन आदि बढ़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वृद्धों को अकेलेपन की समस्या का शिकार बनना पड़ता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में आए परिवर्तनों ने अत्यंत भीषण ढंग से वृद्ध समाज को प्रभावित किया है। लोग अपने संस्कारों को भूलकर बिना किसी हिचक के बड़े बूढ़ों का अपमान करते हैं। ऐसे में अपने ही पराये लगने लगते हैं। देखो जगन, परायों में भी अपने मिल जाते हैं, लेकिन अपनों में अपने नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि अपने नहीं थे, लेकिन तब जब समाज था, परिवार थे, रिश्ते नाते थे, जब भावना थी। समकालीन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से वृद्ध जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सभ्य समाज में उनके स्थान को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इन उपन्यासों को हम दो रूपों में, आदिवासी वृद्ध जीवन पर लिखे उपन्यास तथा वृद्ध जीवन संबंधी हिंदी उपन्यासों में इस प्रकार दो रूपों में बांटकर वृद्ध जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सभ्य तथा आदिवासी समाज में वृद्धों के स्थिति की सही समझ स्पष्ट हो सके। उपर्युक्त विचारों व तथ्यों से हम सभ्य समाज के मौजूदा हालातों को समझ ही गए हैं। वृद्धों के प्रति उनकी दृष्टि तथा सभ्य समाज में उनका स्थान आदि इन तथ्यों में स्पष्ट है। 1989 में प्रकाशित पंकज बिष्ट द्वारा लिखित उस चिड़िया का नाम उपन्यास से ही वृद्ध संबंधी साहित्य को एक नया आयाम प्राप्त हुआ तथा पाठक अत्यंत करीब से इनके जीवन को जानने लगे। ऐसा नहीं है कि इसे पूर्व साहित्य में वृद्धों पर कुछ लिखा नहीं गया था। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, गोदान, भीष्म सहानी कृत चीफ की दावत, ज्ञान रंजन का पिता, अघे के अपने अपने अजनबी आदि कथा साहित्यों में हम वृद्ध जीवन संघर्ष को देख सकते हैं। सामाजिक स्थितियों में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समकालीन साहित्य में वृद्ध जीवन के मर्म को छूने की कोशिश किया गया है। जब उस चिड़िया का नाम उपन्यास का प्रकाशन हुआ, तब पहली बार पाठकों का ध्यान समाज की बदली मानसिकता पर पड़ा कि किस प्रकार रिश्ते आज निरर्थक हो गए है, और एक बेटे के लिए पिता की मृत्यु दुख की बात नहीं, बल्कि बेटे को पिता की मृत्यु से आज कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यह उपन्यास संबंधों की निरर्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। रेहन पर रघु उपन्यास में एक ऐसे पिता का चित्रण है जिसके लिए बच्चे उनके जीवन की जमा पूंजी है। वही बच्चे वृद्धावस्था में उन्हें अकेला कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। शीला, हमारे तीन बच्चे है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे भीतर ऐसी हूक उठती है जैसे लगता है मेरी औरत बांझ है और मैं निसंतान पिता हूँ। समकालीन उपन्यासकारों ने समकालीन सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए सभ्य सामयिक वृद्धों के जीवन संघर्ष एवं समस्याओं की गहन अभिव्यक्ति करने का सफल प्रयास किया है। निर्मल वर्मा कृत अंतिम अरण्य, रागेश वस्त कृत फिरल ओढ़ते हुए, रमेश चंद्र शाह कृत सफेद पर्दे पर, अलका सराव की शेष कादंबरी कलिकता वाया बाईपास, गीतांजलि श्री की माई, हृदेश कृत चार दरवेश तथा सूरज सिंह नेगी के चार उपन्यास वसीयत, इश्तों की आंच, नियति चक्र, यह कैसा रिश्ता, कृष्णा सोपती की ये लड़की, रमणिक गुप्ताकृत मौसी, सूर्यबालाकृत अग्निबांकी, श्रीलाल शुक्लकृत बिश्रामपुर का संत आदि उपन्यास इस अभिव्यक्ति के जीवंत दस्तावेज है, जिनमें सभ्य सामयिक वृद्धों की सामाजिक समस्याओं से लेकर आर्थिक समस्या तक का चित्रण अत्यंत गंभीर ढंग से किया गया है। जहां अंतिम अरण्य में मेहरा साहब और उनकी बेटी तिया के माध्यम से पीढ़ी संघर्ष को अभिव्यक्ति दी गई है, तो फिर लौटते हुए उपन्यास में सामाजिक व पारिवारिक चल के शिकार दिवाकर शर्मा के संघर्ष से सफलता की गाथा बतलाई गई है। यदार्थ से आघात ग्रस्त पागल माँ की व्यथा है सूर्यबाला की अग्निपांखी। कुछ उपन्यासों में वृद्धों पर होने वाले उत्पीड़न का भी चित्रण है, तो किसी में उनके प्रतिरोध एवं जागरण पर भी विचार किया गया है। मध्यवर्गीय वृद्ध जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है, तो कहीं उच्च वर्गीय वृद्ध जीवन से पर्दा हटाने का सफल प्रयास किया गया है। इन उपन्यासों के विश्लेषण से हम आज के सभ्य समाज में वृद्धों की स्थिति को भली भांति समझ सकते हैं। ये उपन्यास आज के वृद्ध समाज की सच्चाई व्यक्त करते हैं। समय आज परिवर्तित व अत्यंत तेज हो चला है। इस प्रकार निरंतर परिवर्तित होते सभ्य समाज में आज रिश्ते नाते संबंध, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना आदि केवल दिखियानुसी बातें मात्र है। समाज में कई हाशियेकृत वर्ग है, जिनमें वृद्ध समाज का नाम भी जुड़ गया है या जोड़ दिया गया है।
इस हाशिएकरण के कारण वृद्धों के सामाजिक उपस्थिति पर हमने आलेख के प्रारंभ में ही विचार सामने रख दिया है। वृद्धों को आज प्रताड़ित कर हाशियेकृत वर्ग में शामिल कर दिया गया है। यह आज के सामाजिक क्रियाकलापों से स्पष्ट है। महिलाओं व बालकों की तरह वृद्धों को भी कमजोर वर्ग में रखा गया है। संयुक्त परिवारों का टूटन, एकाकी परिवारों का चलन, भोगवादी संस्कृति, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकरण, जनसंख्या वृद्धि, स्वतंत्रता की चाह आदि ने इन समस्याओं को बढ़ाने में आग में घी की तरह काम किया है। इतना ही नहीं, उन्हें घर से निकाल रहे हैं, वृद्धाश्रम में रहने के लिए अथवा सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो वृद्धजन अपनी संतानों के साथ रह भी रहे हैं, उनकी भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। उन्हें नित्य प्रति अपने बहु बेटों की खरी गोटी सुनना पड़ता है, व्यंग्यबाण झेलना है, वाजिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उनका हृदय इन व्यंग्यबाणों से झलनी हो गया है, मगर वे वृद्ध समाज के लोग लाज व भय से किसी को कुछ कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आंसुओं को पीना सीख लिया है, अतः आज वृद्धावस्था एक समस्या हो गई है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सभ्य समाज केवल नाम मात्र के लिए सभ्य है। मौजूदा हालातों को देखकर इसे असभ्य समाज कहना अधिक उचित दिखाई पड़ता है। मनुष्य के अनियंत्रित हस्तक्षेप ने संस्कृति को कुसंस्कृति एवं समाज को असभ्य बना दिया है। ऐसे में हमें आदिवासी समाज व आदिवासी उपन्यासों की ओर देखना चाहिए। पहले सभ्य समाज के लिए भी वृद्ध मुखिया ही थे, उनका आदर सम्मान करना पुण्य कार्य हुआ करता था। आज स्थिति बदलने लगी है। यह केवल सभ्य समाज की सच्चाई है। समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसके लिए स्थितियां पहले जैसी ही है। समाज भले ही उन्हें पिछड़ी संस्कृति कहकर अपमानित करता है, परंतु अपने संस्कारों से अब भी वे जुड़े हुए है। आदिवासी समाज के लिए वृद्ध आज भी अनुभवी ज्ञानी मुखिया ही है। जिस प्रकार आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष में भिन्नता नहीं है, वही वृद्धों के संदर्भ में भी उच्च मूल्यों की उपस्थिति हम देख सकते हैं। गायदा बुद्धिमान था, सारे गांव का वह नेता था। उसकी अंगुलियों के इशारे पर पूरा गांव का गांव आग में कूद सकता था। उस पर सबको अटूट भरोसा था। यही कारण है कि गांव के किसी आदमी ने कभी अदालत नहीं देखी। गांव के सारे झगड़े गायदा बड़ी होशियारी से निपटा देता था। उसने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। अक्सर गायदा उम्र में बड़ा व्यक्ति या वृद्ध ही होता है। यदि चुने गए गायदा भार ढाने में अक्षम है तो वह किसी और को चुन सकता है, परंतु बिना वृद्ध व्यक्ति की अनुमति के किसी और को गायदा नियुक्त नहीं किया जाता। इस प्रकार आदिवासी जीवन केंद्रित उपन्यास एक प्रतिष्ठित वृद्ध जीवन की ओर इशारा करते हैं। वृद्ध जीवन पर आदिवासी उपन्यासों में अलग से चर्चाएं नहीं हुई है, फिर भी कुछ कथनों के माध्यम से ही सही आदिवासी उपन्यासकार वृद्ध संबंधी आदिवासी समाज के रवैये को कागज पर उतारने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टि से दार जंगल जहां शुरू होता है, अलमा कबूतरी तथा मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ आदि उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलमा कबूतरी में एक ऐसे वृद्ध स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत दृढ़ मन व शक्ति की प्रतीक है। वह कोई शिथिल या बेकार वृद्ध महिला नहीं है। वही मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ उपन्यास आंदोलन करते वृद्धों का चित्र खींचने का प्रयास करता है। इस उपन्यास में रसायन वस्तुओं के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं, जिसमें वृद्ध भी भाग लेते हैं, जो समाज में उनकी भूमिका दर्शाने के लिए काफी है। वही जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास ओजा आदि पात्रों के माध्यम से वृद्धों की समझदारी व उनके ज्ञान को सामने रखता है। वृद्ध ज्ञान व अनुभव के प्रति है। जहां सभ्य समाज उन्हें बेकार कहकर धिक्कारता है, वही आदिवासी समाज उन्हें समाज में प्रतिष्ठित स्थान व सम्मान देकर उनके ज्ञान व अनुभव के छाव में जीता तथा उसका सही उपयोग करने का प्रयास करते हैं। आदिवासी समाज के हर एक गांव तथा कस्बे में एक मुखिया है जो वृद्ध व्यक्ति ही होते हैं। मुखिया अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उनके बातों को
कोई काट नहीं सकता। उनके हाथों में हर वक्त एक लकड़ी या लाठी रहती है जो उनके शक्ति तथा ताकत का प्रतीक है। वृद्ध चाहे जितने कमजोर या शिथिल क्यों ना हो, आदिवासियों के लिए वह उनके गायता या मुखिया ही है। सभ्य समाज की बात ही वे उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते है। सभ्य समाज में व्यक्ति के 60 साल पार करते ही उन्हें अनुपयोगी करार कर किसी अंधेरी कोठरी के कोने में धकेल दिया जाता है। बाबू जसवंत सिंह उस समय हैरान आए जब उन्होंने नरेंद्र के दफ्तर के ड्राइवर को उनका सामान कमरे में तब्दील की गई बालकनी में रखते देखा। दबी जबान से उनकी आपत्ति प्रकट करने पर कि रात उन्हें कई दफे पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है और इस बालकनी में उन्हें दिक्कत होगी, नरेंद्र ने छेड़ उन्हें सफाई पकड़ाई। बालकनी में लगी हुई सहन में ही तो कॉमन टॉयलेट है, उनकी जरूरत कमोड है और कमोड वहां है। बच्चों के कमरे में कंप्यूटर जैसी कीमती चीजें रखी हुई है। लगा कि वे एकाएक कपाट के अंबार के ऊपर बेमुरवत से उड़ाकर फेंक दिए गए हो। आज सभ्य समाज का वृद्धों के प्रति रवैया बिल्कुल ही बदल चुका है। उनके प्रति अवगणना एवं रोष इतना बढ़ चुका है कि आज संतान निसंदेह अपने माता पिता पर हाथ भी उड़ाने लगे हैं। श्री नारायण का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। कृत श्री नारायण ने पिता पर हाथ उड़ा दिया। कर्नल स्वामी के रोने चीखने का आतसोर सुनकर मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव का दिल दहल उड़ा। घबराए श्रीवास्तव जी ने 100 डायल कर पुलिस सहायता बुला ली। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया। लहूलुहान कर्नल स्वामी को कैलाश अस्पताल ले जाया गया। आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि उनकी जान लेने से भी संतान पीछे नहीं हटते। इस प्रकार के बदलते जीवन परिस्थितियों में आदिवासी समाज के उच्च मूल्यों एवं वृद्धों के प्रति उनका व्यवहार आशीर्वाद बनकर सामने आता है। सभ्य समाज से भिन्न आदिवासी समाज ने वृद्धों को एक प्रतिष्ठित दर्जा देने का सफल प्रयास किया है। सभ्य समाज इससे कोसों दूर है। ये सभी बातें उनके लिए आदिवासियों की असभ्यता के उदाहरण है। इन बातों को नकारते हुए अपने ही बनाए तकनीकी जाल में फंसे हुए है। एक ऐसा जाल जो मनुष्य को मनुष्यता से दूर कर मशीनियत के करीब ले जा रहा है, परंतु अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। हम इस बाढ़ में डूब जाए इससे पहले ही अपने सो कॉल्ड आधुनिक सोच को त्याग कर आदिवासी समाज के विचारधारा से मुकम्मल होना ही होशियारी है, अन्यथा हम डूबते चले जाएंगे जो हमारे वर्तमान एवं भविष्य के लिए हानिकारक है। आदिवासी समाज के लिए वृद्ध मुखिया है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्हें आज भी अपने संस्कारों व संस्कृति से लगाव है जो आदिवासी समाज को मूल्यवान बनाता है। चाहे वृद्ध कितने ही शिथिल एवं अनुपयोगी क्यों ना हो, सभ्य समाज से बिना आदिवासी समाज उनकी इज्जत करना जानता है। इसी तथ्यों को सभ्य समाज को अपनाना है, तभी बदलाव संभव है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि सभ्य समाज अपना अहम, वह अहम जो उसे सभ्य होने का दर्जा देता है, उसे त्याग दे तो नजरिए में फर्क देख पाएंगे, जिससे समाज में वृद्ध जनों को नया स्थान एवं सम्मान प्राप्त होगा। इसलिए सभ्य समाज का लक्ष्य आदिवासी समाज व संस्कृति का उन्मूलन नहीं, बल्कि दोनों समाज में सामंजस्य स्थापित कर उच्च मूल्याधिष्ठित समाज की स्थापना होनी चाहिए, जहां न कोई भेदभाव का शिकार हो, न अपमान व तिरस्कार से बेबस। धन्यवाद।